वो सेवन जी की है। देखो, अगर आप इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई दी पावर एक्स डी एक्स। देखो, एफ एक्स प्लस उनका डेरीवेटिव हो, ठीक है, मल्टीप्लाई च ई एक्स हो। वैसे तो इनकी प्रॉपर्टी है कि अपना जो आंसर आ जाता है वह की आ जाता है, एफ एक्स इंटू ई एक्स प्लस सी। बट देखो, मैं प्रूव करके दिखानी है। लैफ्ट हैंड साइड लै लो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, एफ एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं आप, एफ डैश एक्स इंटू ई एक्स डी एक्स। देखो, फंक्शन का डेरीवेटिव है तो तुम्हें पता ना, जो तुम इंटीग्रेशन करते हो तो एक बार आप डेरीवेटिव जरूर करते हैं, ठीक है। तो डेरीवेटिव वाले कुछ नहीं करना, ठीक है, इनू सेम लिखी जाओगे, इनू सोल्व करोगे। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग मैं थोनों की दस्या सी कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट च है तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। एफ एक्स अपना की होजूगा फंक्शन ऑफ एक्स, चाहे अलजैबरा लै लो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री लै लो, चाहे लॉग फंक्शन लै लो, साइन इनवर्स लै लो, टैन इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। बट देखो, ई एक्स लास्ट ते है, यानी कि फंक्शन कुछ भी हो गए बट ई एक्स लास्ट ते है ना, तो आप सैकेंड ही अज्यूम करांगे, ठीक है ना। फस्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड माइनस उसी इंटीग्रेशन करना है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस सेम एफ डैश एक्स ई दी पावर एक्स डी एक्स। देखो, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ई दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई दी पावर एक्स, ये सेम ही आ रहा। देखो, बिल्कुल सेम हो गए ना, बट ये प्लस द माइनस है, माइनस प्लस के जो कैंसर, एफ एक्स इंटू ई दी पावर एक्स प्लस सी। देखो, ये प्रॉपर्टी सी ना अपनी। देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट है, इंटीग्रेट करना है ई दी पावर एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर। देखो, टैन इनवर्स एक्स का डायरेक्टली थोड़ा पता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर होता है, ई एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया करो। तो उन्हें पता टैन इनवर्स एक्स का डायरेक्टली वन अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर होता है, ठीक है। इन सेम रख के इनू सोल्व कर लो। इन सोल्व किमें करोगे, आईलेट रूल, आईलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री फस्ट ई एक्स सैकेंड, फस्ट सैकेंड, फस्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल की सी, फस्ट सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड माइनस डेरीवेटिव फस्ट का इंटू इंटीग्रेशन सैकेंड का, ई एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स के डी एक्स सेम। ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, टैन इनवर्स एक्स का डेरीवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स। देखो, प्लस माइनस सेम हो गया, कैंसल आउट होगा, आंसर की आ गया टैन इनवर्स एक्स ई दी पावर इंटू ई दी पावर एक्स प्लस। सेकेंड एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन करना है ई दी पावर एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन दी होल स्केयर, इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू एक्स। देखो, तुसी प्लस वन नू की लिख सकते हो, माइनस वन प्लस टू लिख सकते हो, पहले इन सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। दिस वन कैंसल, देखो मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, ई दी पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, ई दी पावर एक्स इंटू टू अपॉन एक्स प्लस वन दी होल स्क्वायर डी एक्स।
देखो जो आप क्वेश्चन रूल लगाने आप करते हैं ना डिवाइड वाले का स्केयर डिवाइड वाले नू सेम उपर वाले का डेरीवेटिव माइनस उपर वाले फंक्शन सेम डिवाइड वाले का डेरीवेटिव देखो डिवाइड वाले की स्केयर बन रही है ना इधर यानी कि कहने का मतलब क्या तो इस का डेरीवेटिव थोड़ा आ बनेगा सोल्व करके देख लो ये तो हो गया अलजैबरा ए ई एक्स अलजैबरा फस्ट ई की पावर एक्स सैकेंड इनका डेरीवेटिव आ बनूगा मैं थोनू कहा सीगा जेडे फंक्शन का डेरीवेटिव पे है डेरीवेटिव वाले नू सेम रख के बाकी नू सोल्व करना है ठीक है इनू सोल्व करांगे जो इनू सोल्व करांगे अपनी आ चीज़ बन जूगी ठीक है फस्ट सेम इंटीग्रेशन सैकेंड का माइनस इंटीग्रेट करना है डेरीवेटिव फस्ट का इंटू इंटीग्रेशन सैकेंड का दिस वन सेम e दी पावर x इंटू टू अपॉन x प्लस वन दी होल स्केयर टी एक्स देखो e दी पावर x इंटीग्रेशन e दी पावर x होंगे इनका डेरीवेटिव करोगे डिवाइड वाले का स्केयर डिवाइड वाले फंक्शन सेम x का डेरीवेटिव वन वन का डेरीवेटिव जीरो माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम डिवाइड वाले का डेरीवेटिव x का डेरीवेटिव वन वन का डेरीवेटिव जीरो ई दी पावर x का इंटीग्रेशन अपने पता ही है ई एक्स डी एक्स सेम माइनस अंदर मल्टीप्लाई करांगे माइनस माइनस प्लस हो जूगा दिस वन कैंसल देखो दिस वन कैंसल बस ये ध्यान रखना है कि डेरीवेटिव वाले नू तुसी सेम रख के चलना है बाकी नू सोल्व करना है ठीक है देखो थर्ड एग्जाम्पल है इंटीग्रेट करना है ई दी पावर एक्स इंटू लोग एक्स प्लस वन बाय एक्स डी एक्स देखो लोग एक्स का डेरीवेटिव कितना होता है वन बाय एक्स अंदर मल्टीप्लाई करके लोग एक्स का डेरीवेटिव वन बाय एक्स इधर पे है ना इनू तुसी कुछ नहीं करना ठीक है इनू सोल्व करोगे इनू सेम लैके चली जाओगे आईलेट रूल लगा देंगे इन्हें ते इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन दा माइनस इंटीग्रेट करना है डेरीवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन ई दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई दी पावर एक्स लोग एक्स का डेरीवेटिव वन बाय एक्स ई दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई दी पावर एक्स क्योंकि जो तुसी इनू सोल्व करोगे ना थोड़ा लोग एक्स का डेरीवेटिव जिवें वन बाय एक्स होगा ए ते फंक्शन सेम बनेंगे दिस वन कैंसल आंसर किन्ना जो है लोग एक्स इंटू ई दी पावर एक्स प्लस सी देखो इंटीग्रेट करना है टू दी टू एक्स माइनस फाइव अपॉन टू एक्स माइनस थ्री दी होल क्यूब इंटू ई दी पावर टू एक्स देखो डिवाइड च थ्री है तो तुसी फाइव नू भी उस टाइप नाल बना लो फाइव नू आपां की लिख सकते हैं माइनस थ्री माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव ही बनूगा ना दिस अपॉन दिस दिस अपॉन दिस वन कैंसल हो जूगा दिस इंटू दिस दिस इंटू दिस देखो इनू सोल्व करके देखो कि इनका डेरीवेटिव आ बन रहा है ना पावर उपर जाऊगी पिछे एक लैस हो जाती है टू एक्स डेरीवेटिव टू देखो पावर नैगेटिव की डिवाइड जाके की बन जूगी पॉजिटिव बन जूगी देखो थोनू क्यूब चाहिए बन रहा है ना क्यूब ठीक है यानी कि इनू सोल्व करके थोड़ा यह बनूगा ही बनूगा ठीक है आईलेट रूल लगा दो अलजैबरा ई दी पावर एक्स सैकेंड अलजैबरा फस्ट होंगे ई दी पावर एक्स वाला सैकेंड फस्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सैकेंड
माइनस उसे इंटीग्रेट करना है डेरिवेटिव ऑफ, देखो 1/2x माइनस 3 दी होल स्क्वायर है, पावर ऊपर चले जाओगी तक ये हो चुकी नेगेटिव, इंटीग्रेशन करना है e दी पावर 2x dx सेम। देखो e दी पावर 2x का इंटीग्रेशन e दी पावर 2x अपॉन 2, डेरिवेटिव करना है 2x माइनस 3 दी होल पावर माइनस 2 का, देखो पावर पहले क्या आती है अगे मल्टीप्लाई, पीछे क्यों आती है हमेशा एक लैस, फिर तुसी अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0, दैन e दी पावर 2x का इंटीग्रेशन e दी पावर 2x अपॉन 2, दिस वन कैंसल, देखो इनू सेम नीचे लिख लिया, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस 2 पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जूगी, नेगेटिव दी पावर डिवाइड से जाके की हो जूगी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, देखो फिफ्थ एग्जाम्पल है इंटीग्रेट करना है ई दी पावर एक्स इंटू रूट ऑफ 1 + sin 2x अपॉन 1 + cos 2x, देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या है 2 sin x cos x, 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या है 2 cos² x, 1 के इक्वल होता है cos² x + sin² x से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a + b दी होल स्क्वायर बन जोगे कोज एक्स प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर, स्क्वायर ना स्क्वायर रूट कैंसल, देखो इन अलग अलग कर सकते हैं, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, देखो अलग अलग करके अपने को बन गया, एक कोज नाल एक कोज कैंसल हो जूगा, 1/2 cos x sin x, 2 cos² x है, देखो cos² x का मीनिंग cos x into cos x हो गया, 1/cos की है secant x/2, sin/cos tan, cos ऊपर जाके की बन जूगा secant x, this into this, this into this, वन बाय टू कॉमन रख दो, देखो अपने पता ना secant x का डेरिवेटिव secant x tan x होंगे, secant x का डेरिवेटिव secant x tan x होंगे, यानी कि फंक्शन हो गया डेरिवेटिव हो गया, फंक्शन वाले नू सॉल्व कर लिया करो, डेरिवेटिव वाले नू सेम रख लिया करो, लगा देंगे तो आईलेट रूल, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन, सेकंड द माइनस इंटीग्रेट करना है डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, ई एक्स इंटू टेन एक्स सीकेंट एक्स ई एक्स इंटीग्रेशन ई एक्स होजूगा, सीकेंट एक्स डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स होजूगा, ई दी पावर एक्स इंटीग्रेशन ई दी पावर एक्स प्लस दिस वन सेम, प्लस माइनस कैंसल आउट, देखो इंटीग्रेट करना है लॉग लॉग एक्स प्लस 1/log x की होल स्क्वायर, देखो पहले नू सिंपलीफाई करना पौगा, तो सी लॉग एक्स नू की पुट कर लो टी, लॉग इधर जाके पावर की बना दूंगा ई दी पावर टी, एक्स का डेरिवेटिव 1 होंगे, ई दी टी का डेरिवेटिव ई दी टी
टी इधर आ रही डी टी बाय डी एक्स। देखो डी एक्स डिवाइड चाहता डी एक्स, इधर जाके की बन जूगा मल्टीप्लाई डी एक्स इक्वल आ गया ई टी इंटू डी टी। एंड ये यूज कर दो, देखो थोड़े को लोग एक्स है, लोग एक्स में तुसी टी पुट किया है, ठीक है, थे लोग एक्स पुट किया टी, टी दी पावर की है टू, डी एक्स की वैल्यू थोड़े को की आई ई दी पावर टी डी टी। देखो हूँ तुम्हें पता लोग टी का डेरिवेटिव वन बाय टी होंगे, बट अपने को लोग टी का डेरिवेटिव वन बाय टी नहीं है, तो वन बाय टी ऐड भी कर दो ते वन बाय टी सबट्रैक्ट भी कर दो। देखो लोग टी का डेरिवेटिव वन बाय टी बनूगा, वन बाय टी का डेरिवेटिव माइनस वन बाय टी का डेरिवेटिव वन बाय टी स्केयर बनूगा। मैनू लोग टी का डेरिवेटिव वन बाय टी चाहिए सी, इस करके मैं वन बाय टी ऐड भी करता ते वन बाय टी सबट्रैक्ट भी करता। इंटू कर दो ई दी पावर टी दी मल्टीप्लाई कर दें, लोग टी ई दी पावर टी डी टी, लोग टी वन बाय सॉरी वन बाय टी इंटू ई दी पावर टी, वन बाय टी ई दी पावर टी डी टी, वन बाय टी स्क्वायर ई दी पावर टी डी टी। देखो लोग टी का डेरिवेटिव वन बाय टी होंगे, लोग टी का डेरिवेटिव वन बाय टी होंगे, तो तुम इनू सोल्व कर लियो, इनू सेम रख दियो, माइनस वन बाय टी का डेरिवेटिव वन बाय टी स्क्वायर होंगे, तो तुम इनू सोल्व कर दियो, इनू सेम रख दियो, लगाओ आईलेट रूल ना ते फस्ट सेम इंटीग्रेशन सैकेंड का ई दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई दी पावर टी होंगे, माइनस आप इंटीग्रेशन करना होंगे इनका डेरिवेटिव लोग टी का डेरिवेटिव वन बाय टी, ई दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई दी पावर टी प्लस सेम रखता इनू सिमिलरली इनू सोल्व कर लो, एस तू सेम रख दियो, फस्ट नू सेम इंटीग्रेशन सैकेंड का ई दी टी का इंटीग्रेशन ई दी टी, माइनस इंटीग्रेशन करना है वन बाय टी का डेरिवेटिव, देखो वन बाय टी टी की पावर उपर जाऊगी, पावर अगे पिछे एक हो जूगी लैस, यानी कि टी की पावर माइनस वन का डेरिवेटिव कि हो गया माइनस वन बाय टी स्क्वेयर ई दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई दी पावर टी। देखो प्लस माइनस का कैंसल हो गया, लॉग टी ई दी पावर टी, देखो आ माइनस माइनस प्लस होगा, बट जो आ माइनस अंदर जाऊगा फिर माइनस हो जाऊगा, वन बाय टी ई दी पावर टी सॉरी इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो ही गया सी ना, देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इधर इंटीग्रेशन हजे अपना पे है प्लस ए वाला इंटीग्रेशन वन बाय टी स्क्वायर ई दी पावर टी डी टी, प्लस माइनस कैंसल, लॉग टी ई दी पावर टी माइनस वन बाय टी ई दी पावर टी प्लस सी। देखो टी दी वैल्यू अपने कोल की सी लॉग एक्स, ई लोग एक्स किन्दे इक्वल होंगे एक्स दे, इन्ना छड़ना इन्ना छड़ दियो, नहीं तो ई लोग एक्स की जगह एक्सपुट कर दियो,